नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इलाहाबाद कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है और अब एक के बाद एक बड़े खुलासे आकांक्षा दुबे के सुसाइड मामले में हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आकांक्षा दुबे और सिंगर समर सिंह दोनों की एक साल के बाद शादी होने वाली थी। समर सिंह को आप सब जानते होंगे कि आकांक्षा दुबे के सुसाइड मामले में उनको आरोपी ठहराया गया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पे ही सारा आरोप लगाया था। आकांक्षा दुबे की मां का कहना था कि समर सिंह की वजह से ही उनकी बेटी ने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन किन लोगों ने इस बात का खुलासा किया है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह की शादी होने वाली थी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप मैन ने इस बात का खुलासा किया है कि दोनों की शादी होने वाली थी, क्योंकि दोनों की काफ़ी बातचीत थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस सारी बातें हर किसी को पता थी कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। आकांक्षा दुबे ने खुद ये सारी बात मेकअप आर्टिस्ट को, अपने ड्रेसर को, इन सब को बताया था कि वो और समर सिंह जल्द ही एक दूसरे से शादी करेंगे, यानी कि एक शादी के रिश्ते में बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 25 मार्च को ही आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया। सारनाथ स्थित होटल में उन्होंने सुसाइड किया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि काफ़ी कम उम्र की वो लड़की थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आज हम आपको एक एक करके उन सबके बयान को बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ बोला है समर सिंह के खिलाफ। आकांक्षा की हेयर ड्रेसर रेखा मौर्य ने पुलिस के समक्ष जो बयान दर्ज कराया है, उसके मुताबिक एक साल के बाद ही आकांक्षा और समर सिंह शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में इधर कुछ खटास चल रही थी। इसी वजह से आकांक्षा तनाव में रहती थी। रेखा मौर्य के बयान की पुष्टि मेकअप आर्टिस्ट अमित शर्मा ने भी की थी। भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक मंजुल ठाकुर ने भी बयान दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि आकांक्षा और समर एक दूसरे से प्रेम करते थे। यह जानकारी उन्हें आकांक्षा ने ही दी थी। इधर लग रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आकांक्षा को जानने वाले इशुका सिंह ने पुलिस को बताया कि आकांक्षा और समर एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। समर से आकांक्षा शादी करना चाहती थी। तो तमाम जानकारियां तो दी गई, ये जानकारी कोर्ट में जो दलील पेश की गई उस दौरान दी गई, क्योंकि जितने भी आकांक्षा दुबे के करीबी लोग थे, जिनके साथ आकांक्षा दुबे रहती थी, काम करती थी, उन सब से लगातार पूछताछ की जा रही है कोर्ट में। इलाहाबाद कोर्ट में ये केस चल रहा है और आकांक्षा दुबे की तरफ से जो भी लोग अपने बयान दे रहे हैं, उस बयान में ये साफ कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे समर सिंह से काफ़ी प्यार करती थी और उसी प्यार की वजह से आज उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि समर सिंह के साथ संदीप सिंह का भी नाम जुड़ रहा है, क्योंकि संदीप सिंह जब आखिरी रात आकांक्षा दुबे जब होटल में पहुंची थी, जहां उनका शूटिंग चल रहा था और जिस होटल में वो पहुंची थी, वहां पर संदीप सिंह ने ही उन्हें छोड़ा था। तो कई सारी तलवारें उनके ऊपर भी लटक रही हैं, लेकिन समर सिंह का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है, इस पर कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।